तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त का। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं, बड़ी जानकारी आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कांग्रेस आज या कल करेगी प्रत्याशी का ऐलान। बता दें आपको कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने जानकारी दी है, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां पूरी है। विवेक बंसल की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। उनकी तरफ से कहा गया कि संगठन निर्माण चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। किरण चौधरी के आरोपों पर बोले विवेक बंसल, उन्होंने कहा कि किरण चौधरी अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता दें, जहां एक तरफ दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक चल रही है नाम फाइनल करने को लेकर, तो उसी बीच ये जानकारी आ रही है कि आज या कल कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने जानकारी दी है। चुनाव नजदीक है, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी हैं। सर, दोनों चुनाव के संदर्भ में बात करें तो किस तरह की जो तैयारी है वो कांग्रेस की सर फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस की तैयारी चुनाव को जो उपचुनाव है उसको जीतने के, कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा सर। लेकिन पिछले लंबे समय से बात करें, 8 साल हो गया है, संगठन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। एक बार फिर से चुनाव की दहलीज आ गई है, संगठन निर्माण ना हो पाना, क्या कोई ना कोई कठिनाई बात करें या फिर परेशानी जो है वो बनता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया है, पहले कुछ श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग कर रहे थे। उसमें पहले PCC का होना था, डेलीगेट्स, चूँकि चुनाव होना है और उसकी भी सामांतर रूप से उसकी भी तैयारियां जिलाध्यक्ष वगैरह की चल रही थी और प्रदेश कमेटी की, अधिकांश काम हो गया है, उसको सिर्फ एक औपचारिक रूप देना है और उसके बाद घोषणा होगी। आदमपुर उपचुनाव के संदर्भ में बात करें तो सर, तमाम पार्टियों ने अपने अपने जो उम्मीदवार है वो उतार दिए हैं। कांग्रेस की कब तक जो है उम्मीद करें कि लिस्ट जो है आजकल में नाम की घोषणा होनी चाहिए? एक सर, जो अलग अलग विधायक हैं उनकी जो है समस्या कहें कि या फिर कहें कि शिकायत सामने आ रही है, किरण चौधरी की साफ तौर पर बात करें तो वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि पहले जो जो कैंडिडेट का चयन होता था वो बैठक करके हुआ करता था, लेकिन अब किसी भी तरीके की बैठक का जो निमंत्रण है वो नहीं मिला है। हम भी समझते हैं कि सर कांग्रेस में जब भी इस तरीके से कैंडिडेट का चयन होता था सर बैठ के होती थी, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने अपना विचार दिया है, उसके लिए स्वतंत्र है, पर लेकिन समय आने पर मैं इस बात को। पंचायत चुनाव के संदर्भ में सर बात करें, किस तरह की तैयारी सिंबल पर लड़ा जाएगा या फिर किस तरह की रणनीति कांग्रेस बना रही है? देखिए, सबके जो मूलतः जो होता है, जो जो प्रणाली होती है, जो प्रक्रिया होती है, सब जितने भी चाहे विधायक हों, जो शीर्ष नेता हों, सबकी राय ली जाती है, राष्ट्रीय सचिव हों, कार्यकारी अध्यक्ष हो, और उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचा जाता है जिसमें एक आम सहमति बनती है, उसके अनुरूप फैसला लिया जाता है। कांग्रेस ने एक बार, बीजेपी ने एक बार फिर से जो है भव्य बिश्नोई को सर उम्मीदवार बनाया, भजनलाल परिवार से वो संबंध रखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं कि सर, क्योंकि कहीं ना कहीं गढ़ कहा जाता है भजनलाल परिवार का सो आदमपुर को? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है और किसी भी चुनाव को हल्के में लेना वो मूर्खता होती है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये चुनाव पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग पूरा यथासंभव प्रयास करेंगे कि इस चुनाव को किस तरीके से जीता जाए और एक आगामी जो चुनाव होने हैं 2025 का, कहीं ना कहीं उसकी बाबत आम आदमी की राय इस चुनाव के परिणाम के फलस्वरूप देखने को मिले। शुक्रिया सर। तो ये हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल थे जो तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।